चालू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली बात, कैसे हो यार? अच्छे से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो जो भी है, ठीक है। कुछ लोगों के डाउट्स ये आ रहे हैं कि सर, जैसे आप बोल रहे हो कि आप जो पढ़ा रहे हो उससे जे भी क्लियर कवर होगा, डीएमआर से भी कवर होगा, डीडीए भी कवर होगा, ए भी कवर होगा, आईईएस भी कवर होगा, गेट की थ्योरी कवर हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है। तो सर, ये ऐसा क्या है कि और आईईएस का प्री नॉट कन्वेंशनल, क्योंकि आईईएस से कन्वेंशनल के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। इतना श्योर है कि जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं उससे आपका आईईएस का 72-75% इजिली कवर हो जाएगा। फिर ये लोगों के डाउट है मन में कि सर, आप अगर जे हमें तो जे की तैयारी करनी है, हम तो डिप्लोमा के हैं, हमें तो जे की तैयारी करनी है, तो हम आईईएस लेवल का क्यों पढ़े? तो उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी क्वेश्चंस की। कोई भी टेक्निकल बुक आपको नहीं खरीदनी है, एक भी टेक्निकल बुक मत खरीदना। पीडीएफ अब आपको किस किस चीज की मिलेगी? हाँ, एक और डाउट आएगा कि सर, जैसे डीएमआरसी की इंग्लिश है, ठीक है, डीएमआरसी की इंग्लिश है, रीजनिंग है, या एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग में आगे चलो, या फिर जनरल अवेयरनेस है, या जीके है, ठीक है, कि सर इसको भी आप पढ़ाओगे क्या? बोले हम इसको आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस मटेरियल में क्या है, आपको ओनली आपको ये इस तरीके से डिजाइन मटेरियल होगा कि आपको बस ये मटेरियल ही पढ़ना है, और आपका अच्छा सा, जैसे मान लो जीके की बुक बहुत मोटी है, इंग्लिश की बुक बहुत मोटी है, तो इसमें जितना भी कन्फाइंड मटेरियल हो जाएगा वो कन्फाइंड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स ये आपको पढ़ना खुद से है, बट हम आपको मटेरियल देंगे, आपके पास ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि जो मटेरियल मिलेगा आपको बस वो पढ़ना है, वो पीडीएफ के थ्रू आपको मिलेगा। रही बात टेक्निकल की, टेक्निकल में अब जैसे मान लो कोई आपका थ्योरी पीडीएफ, अब हम टेक्निकल की बात करते हैं बस, ठीक है। अगर बात है आपकी टेक्निकल की, जैसे मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जिसको आपको खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स आपको हाथों से लिखने पड़ेंगे, अगर प्रैक्टिस करना है तो न्यूमेरिकल कभी मन में प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसा सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे सब्जेक्ट में आपको हमें नोट्स प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप खुद मेंटेन करोगे। पूरा क्लासरूम की तरह चल रहा है यार, जैसे क्लास में आप पढ़ते हो और क्लास से ज्यादा टाइम हम दे रहे हैं। अगर मान लो मैं किसी कॉलेज वॉलेज में पढ़ा रहा होता तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, क्या होता है, हर जगह एक लिमिटेड टाइम होता है कि यार आपको इतने देर में पढ़ाना है। क्या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है कि यार जितना हमको लगता है कि बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है हम उतना उसको पढ़ाते हैं। और ये मैं सोचता हूँ कि सर हम इतना ज्यादा क्यों पढ़े, सरकारी में सेलेक्ट होना है तो अपनी सोच भी आपको थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कवर रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कवर करना पड़ेगा। तो आई बात, चलो ठीक है, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, टॉपिक वाइज ऐसा नहीं कि एक बार में आपको प्रोवाइड कर दिया, धीरे 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 करके, क्योंकि अगर एक बार में हमने पीडीएफ प्रोवाइड आपको कर दी तो क्या होगा, उसमें आपको लगेगा यार इतना कौन पढ़ेगा। धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाओगे ना, तो कब आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। रही बात पीडीएफ टेक्निकल की, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपके, और एक है आपका थियोरिटिकल सब्जेक्ट, थियोरिटिकल सब्जेक्ट। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मान लो सॉम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आपका स्टील हो गया, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील, आरसीसी हो गया, ये आपके कई न्यूमेरिकल्स हैं। बट जो आपके थोड़े बहुत थियोरिटिकल, तो इस जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसमें आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ टॉपिक के बाद मिलती जाएगी। और जो थियोरिटिकल पोर्शन है, जैसे बीएमसी हो गया, जैसे एनवायरमेंटल हो गया, अब जैसे बीएमसी एनवायरमेंटल है तो इसमें हम आपको समझाएंगे, पूरा बोर्ड बीएमसी की थ्योरी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हाँ इन सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ की क्वेश्चन भी मिलेगी और आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे जो आपका थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो बीएमसी में, ठीक है, इनको लिखने में। रही बात अब तीसरे डाउट की कि सर एक बात बताइए आप हमको कि आपका, आप बोल रहे हो कि आप जो पढ़ाया है उससे आपका जे भी कवर होगा, ए भी कवर होगा, हमारा आईईएस प्री भी कवर हो जाएगा अच्छा खासा। मैं आपको एक गारंटेड बात बोलता हूं, मुझ पर भरोसा रखो, जिस इंसान का टारगेट ओनली आईईएस है ना, उसके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये एक साल इस लेक्चर्स को फॉलो कर लिया तो भरोसा रखो एक साल बाद आप जो बोलते हो कि हमें दिल्ली की कोचिंग में जाना है, आपको जहां जाना जाओ वहां पर आप टॉप रैंक सिक्योर करोगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ आ चुका होगा। क्योंकि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाते हुए चल रहा हूं, मैं कुछ गायब नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चलूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मुझे अगर मान लो कोई कहीं में पढ़ाऊंगा तो वो टाइम के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यार, आप इतने घंटे में, बट हमें कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बच्चे के दिमाग में घुसाने के लिए टाइम चाहिए उतना टाइम मैं दे सकता हूं आपको यहाँ पे। दूसरी बात, तो लोग बोल रहे हैं कि सर आप तो एक साथ पढ़ा रहे हो, अगर मान लो मैं यूपी से हूं और मैंने डिप्लोमा करा हुआ है और मेरे को तो जेई करना है, तो ये एई का और आईईएस का मैं क्यों पढ़ूं? तो इसका सॉल्यूशन ये है
कि जो आपको पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चंस की, उस क्वेश्चन में साफ साफ डिफरेंशिएट हम कर देंगे कि अगर आप जे की तैयारी कर रहे हो, जे के क्वेश्चन अलग आएंगे, ठीक है, ए के क्वेश्चन और आपके आईईएस के क्वेश्चन, ये आपके अलग अलग आएंगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको लग गया यार मैं तो बस जेई की तैयारी कर रहा हूं, तो जो पीडीएफ में जेई के क्वेश्चन हो बस आप वो जेई के क्वेश्चंस करोगे। अगर आपको लगता है कि यार मुझे स्टेट का ए का देना है तो स्टेट के ए का करोगे, वरना फिर आप आईईएस करो। दैट मींस पीडीएफ आपको डिफरेंशिएट कर देगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल तक आपको किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। दूसरी बात, और ये कन्वेंशनल का हम बाद में देखेंगे, फिर आईएएस प्री की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, एसएससी जेई की बात है, एसएससी जेई आपका कन्वेंशनल के लिए कवर हो जाएगा और आपका उसके लिए भी कवर हो जाएगा, प्री के लिए भी और जी के लिए आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा वो था जो भी था, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल की, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल की। इस सब्जेक्ट की खास बात क्या है यार, इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि अगर आपने छोटे छोटे टॉपिक के भी कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, पता है आपको प्रॉब्लम क्या है, अब सब लोग ये बोलते हैं कि सर हमने तो पढ़ाई करी थी बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या हम क्या गलती कर रहे हैं। यार आप पढ़ रहे हो, मैं खुद मानता हूं कि आप हो सकता है 8 से 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, बट क्या आप उस डेप्थ तक जा रहे हो जो एग्जाम देता है, या जिस तरीके से एग्जाम किसी भी टॉपिक के बीच में से क्वेश्चन निकाल के पूछ रहा है आजकल, क्या आप उस डेप्थ तक जा रहे हो। और वो हेल्प आपकी कौन करेगा, वो हेल्प करेगा आपकी सॉम। अभी तक आप देखो हम कितनी डेप्थ तक गए, तो आपको आपको एक चीज पता होगी, जो जब जैसे मान लो आपको क्लियर करना है कि क्या मेरी तैयारी आईईएस की हो रही है, क्या मेरी तैयारी जेई की हो रही है, सिंपल सी बात है यार, आप जैसे आपको टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ ली, आप जेई के क्वेश्चन लगाओ, आप असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन लगाओ, आप आईईएस के क्वेश्चन लगाओ और आप गेट के क्वेश्चन लगाओ। अगर आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो, ऐसा नहीं बस लेक्चर देख लिया और बोला कि हाँ मेरे को तो समझ में आ गया, अगर आपने लेक्चर जो ऑनलाइन लेक्चर हमने प्रोवाइड करा, अगर आपने पढ़ लिए और आपसे अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं। जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होती जाती है और जिन जिन लोगों का आईईएस टारगेट है या फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर टारगेट है, आप उसके प्रीवियस पेपर उठा के क्वेश्चंस करो, या बुक्स की तो जरूरत है नहीं, आपके पास कोई बुक पढ़ी हो तो उसमें देखो क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो डेट मीन्स आप बिल्कुल सही चल रहे हो, और अगर आप मान लो बहुत सारे अच्छे बोलते हैं नहीं सर हम तो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो डेट मीन्स हम गलत चल रहे हैं, फिर तो दिक्कत समझ रहे हो, हम गलत चल रहे होंगे फिर, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, सोम जैसा सब्जेक्ट आपकी हेल्प क्या करेगा, सोम जैसा सब्जेक्ट आपकी ये हेल्प करेगा, सबसे याद तो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल, सिविल और मैकेनिकल का वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है। सिंपल ही बात है, अगर आपने इस सब्जेक्ट पर पकड़ बना ली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे सब्जेक्ट पे, हम तो सारे सब्जेक्ट को इतनी डेप्थ तक ही पढ़ेंगे, बट अगर ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लोग बोलते हैं सर आज तक ये समझ में नहीं आया, हम 2-3 साल से इसको पढ़ चुके हैं, तैयारी भी कर चुके हैं, बट ये आज तक हमको समझ में नहीं आया। अगर आपने इस जैसे सब्जेक्ट पर कमांड कर लिया तो आप भरोसा रखो मुझे इंजीनियरिंग के दूसरे सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, आपको पता है कि अगर मैं इस सब्जेक्ट की डेप्थ तक जा रहा हूं तो आपको यह भी पता रहेगा कि अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट में किस डेप्थ तक आपका जाना है, तो आपको सारी डेप्थ पता रहेगी किस लेवल तक मुझे पढ़ना है, पढ़ा रहे हो तो जो आप 8 घंटे पढ़ते थे विदाउट एनी गाइडेंस, अब आप 6 घंटे पढ़ो विद गाइडेंस, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है आपका शियर फोर्स डायग्राम एंड सेकंड है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। एसएफडी और बीएमडी हमारा चल रहा है, अभी तक हमारे 2 से 3 क्लासेस हो चुकी है एसएफडी बीएमडी, शायद तीसरी कल क्लास थी हमारी एसएफडी बीएमडी में, बहुत टाइम लगता है, इजी टॉपिक नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। अब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको, है ना, ये तो मैं मिटा रहा हूं पूरा सॉम एसएफडी बीएमडी, अभी हम वापस से एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़े हैं जिन्होंने सोम को सीरियसली पढ़ा है, शायद वो मेरी बात समझ पाएंगे, क्योंकि जो चीज मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं ये आपको तभी समझ में आने वाली होगी जब आपको थोड़ी बहुत, देखो सॉल्व हम करेंगे, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे 0 लेवल से कवर करते हुए चल रहे हैं, बट जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी ना वो मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। कैसे, अगर आपका ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, आप ध्यान से देखना अभी, ठीक है, ये आपकी कैंटिलेवर बीम है जिस पर ये मैंने एक्सटर्नल मूवमेंट एम लगा दिया, इस पर मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डब्ल्यू लगा दिया, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, देखते रहना, ठीक है। अगर ये आपका किसी भी बीम पर, ठीक है, यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड,
डब्ल्यू किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ध्यान से सुनो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये कि कुछ ऐसे केसेस हम डिस्कस करेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद, या फिर ये वाला केस है, ये सारे केसेस अभी हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड है, इसका ये वाली हाइट आपकी डब्ल्यू किलो न्यूटन और एक टू डब्ल्यू किलो न्यूटन या थ्री डब्ल्यू जो भी इच्छा हम ले लेंगे, ठीक है, पर मीटर पर मीटर। तो सब सॉल्व करेंगे, बट मैं उन लोगों से थोड़ा बात करना चाहता हूं जिनको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत आता है। मैं अगर मैं इस वाले बीएमडी की, इस वाले बीम की, सिंगल बॉडेड बीम है जिसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, इसका मैं बीएमडी बना लेता हूं कुछ इस तरीके से। कुछ लोगों को याद होगा कि हाँ सर ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट होता है, हमें याद है। क्या आपको, आपको ये भी पता होगा कि ये एक पैराबोला होता है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये पता है कि ये कर्व ऐसा ही क्यों गया, ये कर्व ऐसा क्यों नहीं गया भाई, ये भी तो पैराबोला है, ये भी तो पैराबोला है, तो आपने इसको ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया। फर्स्ट डाउट ये हो गया, सब क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन जीरो लेवल से लेके चलूंगा, ठीक है। सेकेंड, अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं, सब्जेक्ट की किस गहराई तक आपको जाना है वो बता रहा हूं, आईईएस मजाक नहीं होता, और आजकल के तो जे के एग्जाम भी ये सारे वो भी मजाक नहीं रहे अब तो, ठीक है। अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखना, तो वो कुछ आपका इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा आपको टाइम आने पर, अभी मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्यों आपने इस पैराबोला को इस तरीके से दबाया नहीं, और क्यों आपने इस वाले पैराबोला को इस तरीके से उठाया नहीं। रेड वाला भी गलत बनाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है भाई, ये भी तो पैराबोला है, आप तो वैल्यू फाइंड कर लोगे, आपने इस पैराबोला को ऐसा क्यों नहीं बनाया, आपने इसको ऐसा क्यों बनाया। ये रेड वाला फिर गलत है, और इस जगह जो पैराबोला दब रहा था, दैट मींस कॉनकेविटी, जो कॉनकेविटी होती है वो अपवर्ड की साइड हो रही थी, वो क्यों कॉनकेविटी वापस से डाउनवर्ड की साइड हो गई, क्योंकि गलत बता रहा हूं मैं। तीसरी बात, अगर किसी बीम में, इसको मिटा देते हैं, अगर ये बीम है आपकी, कौन सी बीम है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, अगर कैंटिलीवर बीम में एक एक्सटर्नल मूवमेंट लगा हुआ है, पहली बात तो इस एक्सटर्नल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये है आपका क्लॉकवाइज, ये एक्सटर्नल मूवमेंट क्या है आपका क्लॉकवाइज। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम एसएफडी या बीएमडी बनाएंगे, जब भी चलो हम बीएमडी बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, सैगिंग और हॉगिंग, क्या बताया था, सैगिंग और हॉगिंग, कि जब भी आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि बीम इस तरीके से मुड़ रही है, इसको हम बोलते हैं सैगिंग, या बीम आपकी इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं हॉगिंग। आप समझो मेरी बात, क्योंकि जब तक आप सैगिंग और हॉगिंग डिसाइड ही नहीं करोगे, तो आप फोर्स का क्लॉकवाइज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो हमें देखना पड़ता है कि बीम की डिफ्लेक्टेड शेप कौन सी हो सकती है, सैगिंग हो सकती है या हॉगिंग हो सकती है। अब ये एक कैंटिलीवर का केस है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ, ये कैंटिलीवर बीम है, ये इसका फिक्स्ड सपोर्ट है, ये इसका फ्री सपोर्ट है, आप मुझे ये बताओ कि भाई ये बीम अब सैगिंग होगी या हॉगिंग होगी, देख लो, सोच लो, टाइम है। अब देखो, अगर ये कैंटिलीवर बीम है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये बीम इस शेप को बोलते हैं हॉगिंग, ये बीम इस तरीके से हॉग होगी या इस तरीके से इस शेप में बोलते हैं सैगिंग, क्योंकि सैगिंग और हॉगिंग ही तो डिसाइड करेगा कि बीएमडी पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये मूवमेंट आपको देख के क्या लग रहा है कि ये मूवमेंट आपका सैगिंग करेगा या हॉगिंग करेगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम लोगों के मन में ये लग रहा होगा कि सर इस बीम में अगर ये मूवमेंट लगाया तो बीम तो ऊपर की साइड उठेगी, तो बीम में सैगिंग होगा। नहीं भाइयों, इसमें सैगिंग नहीं होगी, इस बीम में हॉगिंग होगी, और इस हॉगिंग का रीजन क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्यों इस बीम में हॉगिंग हो रही है, क्यों इसमें सैगिंग नहीं हुई। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई बीम में क्या हो रहा है, हॉगिंग, और हॉगिंग में हम पहले वाले मूवमेंट को क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो श्योर है इसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा, वो किसमें बनेगा आपका, नेगेटिव में। आईईएस गेट ये साफ साफ आपको दे देगा, अगर उसने एक ऑप्शन आपको नेगेटिव में दिया होगा तो सेम ऑप्शन वो एक आपको पॉजिटिव में देगा। आईईएस खिलवाड़ नहीं है, ये आ रहे हैं हमको तो आईईएस हम तो निकाल लेंगे,
बहुत लोग जाते हैं कोचिंग करने, कितने लोगों का होता है? 0.5% लोगों का, क्योंकि वो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। आपको ऐसी माइनर सरकारी की तैयारी आपको करनी है ना, तो माइनर माइनर वो ना बाल की खाल निकालने वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, रटना पड़ेगा बहुत सारा। क्या क्या रटना है वो मैं रटाऊंगा आपको, बट जो चीज समझने की वो आपको समझनी भी पड़ेगी, ठीक है? तो क्यों इस बीम में हॉगी हुई है उसका आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जितने भी ये केसेस हैं, अभी तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल केसेस हैं, एक एक केस, आने वाली क्लासेस में आपको इन सबको मिक्स कर दूंगा मैं, यू डेल भी लगा दूंगा बीम पर, यू वेल भी लगा दूंगा, मूवमेंट भी लगा दूंगा, और ये एक्सटर्न ये कपल भी लग जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो ये एक एक केस ध्यान से देखते रहो, क्योंकि सबका बिहेवियर थोड़ा अलग अलग होता है। अगर आपने इन सारे केसेस को नहीं ध्यान से पढ़ा तो आगे वाली बीम में हो सकता है मैं अगले बीम में डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग लगा दूं, उसमें मैंने मूवमेंट भी लगा दिया, उसमें मैंने यूडे भी लगा दिया, उसमें यूवे भी लगा दिया, इन सारे लोड्स को मैं एक साथ लगाऊंगा तो वो बीम दे तो सॉल्व करोगे। और भैया एसएससी जेई कन्वेंशनल जो है वो भी इन सबको एक साथ दे देता है, एसएससी जेई का लेवल भी बहुत ऊपर हो चुका है, तो आईएएस का लेवल तो समझ रहे हो तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो अब इन सारे केसेस को हम एक एक करके उठाते हैं और सारे केसेस को ये देखते हैं कि कैसे इनका एसएफडी बनेगा, कैसे इनका बीएमडी बनेगा, क्यों ये पैराबोला ऊपर की तरफ उठा, क्यों ये नीचे की साइड नहीं उठा, क्यों ये पैराबोला इधर से तो ऊपर जा रहा है फिर ये अंदर से अंदर की तरफ दब गया, क्यों ये इस तरीके से नहीं गया, एक एक चीज डिस्कस करते हैं और अब चालू करते हैं, ठीक है? मैं इस पूरे को मिटा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट केस हम लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक लोड लग रहा है, ठीक है? एक मैंने हिंज बना दिया, एक मैंने रोलर बना दिया। आप अगर पूछो एक ही सर ये अगर मैं दोनों अगर इनकेस सर में अगर ये दोनों भी हिंज बना देता तो फिर क्या डिफरेंस है था? आप लोगों के मन में आता है ना, क्यों सर बुक में एक आपका हिंज सपोर्ट होता है और क्यों बुक में आपका एक रोलर सपोर्ट होता है, क्यों आपने दोनों को हिंज नहीं बना दिया? वो भाइयों मैंने हिंज इसलिए नहीं बनाया है, ध्यान से सुनना, कि अगर इस पर कोई वर्टिकल लोड लगा है और इस पर कोई वर्टिकल लोड लगा है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको सॉल्व कर लोगे। बट जैसे ही अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बट जैसे ही अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस बीम की बात करूं तो इस बीम में कितने अननोन आएंगे? एक आएगा आपका आर ए, एक आएगा आपका आर बी, दो अननोन आएंगे। और दो अननोन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है? समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बीम में कितने अननोन रिएक्शंस हैं, आप बोलोगे सर एक है आर बी, एक है आर ए, एक है आर बी। मैं आपसे फिर ये पूछूंगा क्या इस बीम में कोई भी इंक्लाइंड लोड लग रहा है या कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है? क्योंकि अगर इंक्लाइंड भी होता, अगर इंक्लाइंड भी होता, चलो वो भी देख लेते हैं। ये लो यार आज क्लियर कर देते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे, ठीक है? ये लो, ये लगा दिया मैंने डब्ल्यू, ये आ गया थीटा, ये इंक्लाइंड, ये रिजॉल्व हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, ये हो गया आपका डब्ल्यू कॉस थीटा। भाई ध्यान से देखना, फिर बता रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मजाक नहीं है, और सिविल वाले तो स्पेशली सुन लो, अगर ये क्लियर नहीं करोगे ना तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में बोलना मत कि सर समझ में नहीं आया। चलो वीडियो लेक्चर में आपको ये फायदा है कि अगर आपको जैसे ही उसमें समझ में नहीं आएगा वीडियो लेक्चर वापस से देख लोगे, आपको किसी पूछना नहीं पड़ेगा। फिर भी अभी से समझते हुए चलो ना, टाइम कम है। जिस जिसको ये लग रहा है ना टाइम बहुत ज्यादा है, अरे भरोसा रखो कब जनवरी आ जाएगा ना 2019 और कब एसएससी जेई फिर आपके सर पे खड़ा होगा पता नहीं लगता है। अभी साल आप समझ रहे हो पता लगेगा ही नहीं कि कब आपका एसएससी जेई, मानो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कब आएगा। आप बोलोगे यार इतनी जल्दी एग्जाम आ गया, अभी तो पिछले साल का निकला था। क्योंकि जब आप पढ़ने में डूबोगे ना तो आपको पढ़ने लगेगा टाइम का, ध्यान रखना कितना टाइम मेरा निकल चुका है, ठीक है? अगर ये बीम मैंने बना दी, एक है वर्टिकल लोड, ये बीम मैंने बना दी, इसमें है इंक्लाइन लोड, तो इसमें वर्टिकल लोड की वजह से दो वर्टिकल रिएक्शंस आएंगी, मैंने बना दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाली बीम में कितनी अननोन रिएक्शंस है तो आप बोलोगे सर एक है आर ए, एक है आर बी, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना मैं आपको फिर बता रहा हूं, फिर बाद में रोना मत कि सर बताएंगे आपने, ठीक है? उसके बाद इस वाली बीम को देखो, इस वाली बीम में डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से क्या आएगा? एक तो यहां पर रिएक्शन डेवलप हो जाएगी आर ए, क्योंकि वर्टिकल लोड है, और इसी डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगी आपकी आर बी। ये डब्ल्यू कॉस थीटा है, डब्ल्यू कॉस थीटा क्या करेगा? मैंने आपको कहा था कि हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन तभी ही आएगी जब बीम के ऊपर एक वर्टिकल लोड लगा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लोड लगा होगा।
तो ये डब्ल्यू साइन थीटा ने तो आर ए डेवलप कर दी, और ये डब्ल्यू कॉस थीटा क्या डेवलप कर देगा यहां पर, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। क्या इस डब्ल्यू कॉस थीटा ये रिएक्शन करेगा? नहीं, ये डब्ल्यू कॉस थीटा यहां पर रिएक्शन इसलिए डेवलप नहीं करेगा क्योंकि जैसे ही ये रोलर सपोर्ट है, जैसे ही डब्ल्यू कॉस थीटा इस पे लगेगा, रोलर सपोर्ट अपनी पोजीशन से मूव हो जाएगा। जैसे अपनी पोजीशन से मूव हो जाएगा, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, और कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा तो कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही तो रिएक्शन डेवलप होती है। पर ये क्या हिंज सपोर्ट है, ना ये एक्स में मूव कर सकता है, ना ये वाई में, ये तो टूट ही गया, ठीक है, ना ये वाई में मूव कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर आपके पास कितनी अननोन रिएक्शन है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास यहां पर तीन अननोन रिएक्शन है, एच ए आर ए आर बी। और मैं आपसे पूछूंगा आपके पास कितनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, आप बोलोगे सर तीन है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, fy is equals to 0,